तो है नॉन फैम, क्या चल रहा है? हाँ, आई होप यू आर डूइंग क्रेजी एज ऑलवेज। वेल, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपए के बजट में कुछ बहुत ही उम्दा बाइक्स आपको सजेस्ट की थी। एंड सच्ची में यार, आपको वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आई कि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी सिर्फ यही चाहती कि एक वीडियो बेस्ट बाइक अंडर 2.5 लाख रुपए के बजट पे बनाई जाए। तो आपने कहा और हम ना माने, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 बाइक्स जो कि 2.5 लाख रुपए या फिर उसके आसपास के बजट में आ जाती है। वेल, नंबर 5 पर मैंने रखा है जावा की 42 पावर को। अब ये वाली बाइक इंडिया में बेस्ट क्रूजिंग मोटरसाइकिल है, बिकॉज ये आती है 334 सीसी के इंजन के साथ। एंड इट प्रोड्यूसेस 29 bhp और उसी के साथ 32.74 Nm तक का पीक टॉर्क, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुई जावा 42 FJ से भी कई ज्यादा है। दिखने में बहुत ही मॉडर्न एंड स्टाइलिश क्रूजर लगती है। एंड प्राइस है इसका सिर्फ 2,43,000। ऑनवर्ड बता रहा हूँ दिल्ली के अकॉर्डिंग। हाँ, अभी फोर्थ पर मैंने रखा है हार्ले डेविडसन की X440 को, बिकॉज ये बाइक भी काफी शानदार और जानदार है। अब जिनको भी हार्ले डेविडसन के टैग के साथ एक बाइक चाहिए थी, वो भी बजट में, तो पेश है के सामने ये वाली बाइक, जो कि हार्ले ने तो नहीं बनाई बट अपने हीरो ने मैन्युफैक्चर की है। बाइक में इस्तेमाल किया गया है उसी के नाम की तरह 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि जनरेट कर सकता है बहुत ही अच्छी पावर्स। एंड इसकी जो कीमत है वो है 2,81,000। हाँ ना, मानता हूँ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चलता है यार अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो। तो आओ अभी एक और क्वालिटी से भरपूर बाइक दिखाता हूँ, जो कि है TVS की अपाचे RTR 310। हाँ, ये अपनी अपाचे RR 310 का ही नेकेड वर्जन है, जो कि मुझे उससे भी ज्यादा कूल लगा बिकॉज ऑफ इतने क्लीन एंड सेटिस्फाइंग लुक्स। बाकी ये बनी है वही सेम 312 सीसी का इंजन जो कि RR में यूज होता है। बट में जो फिदा हुआ वो है इसके फीचर्स, मतलब आगे से लेके पीछे तक सब कुछ मिलेगा देखने लायक। वाह यार, कसम से काफी मस्त चीज है। एंड इस मस्तानी की कीमत है 2,86,000 ऑन रोड। अभी बारी है नंबर 2 की। अब देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए के आसपास, मींस ऊपर ही कर रहे हैं वैसे तो, लाइक 2.5 लाख से ऊपर और 3 लाख के नीचे का जो बजट है ना, उसके बीच में जो मेरी फेवरेट बाइक है उसका नाम है KTM Duke 250। भाई देखो, अब माने या फिर ना मानो, लेकिन KTM को चाहे लोग कुछ भी कहें, बट सबको पता है कि अपने सेगमेंट के अंदर KTM से पावरफुल बाइक कोई हो ही नहीं सकती। हमारा की जेनरेशन 2 जो ड्यूक थी वो काफी प्यारी थी, बट ड्यूक सीरीज का इस बार 2024 में जो भी वेरियंट आए ना, वो भी बहुत खतरनाक है यार। अब ऐसा RC की तरह बिगड़ा नहीं है इन सबका थोबड़ा। एंड पावर तो एज ऑलवेज एट पीक ही है। सो इफ यू वॉन्ट अ पावरफुल हेड टर्नल स्टाइलिश बीस्ट एट योर गैराज, सो यू कैन कंसिडर अ 250 ड्यूक इन 2024, जो कि आपको पड़ेगी इन डेली ऑलमोस्ट 2,75,000 रुपए की। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नंबर 1 पर कौन है। एक्चुअली नंबर 1 पर कोई एक नहीं बल्कि दो सिब्लिंग्स हैं, मींस R15 वर्जन 4 एंड MT15 वर्जन 2। भाई लिटरली कॉलेज स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है ये। दोनों ही बाइक्स का अलग फैन बेस है, लाइक एक साड़ी में है तो फिर दूसरी वन पीस में। बाकी कीमतों पर नजर डालें तो पता लगता है कि MT15 तो 2 लाख के अंदर ही आ जाती है, लेकिन R15 के लिए आपको 30,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो पिक वाइजली व्हाट यू वांट। बाकी आप कौन सी बाइक लेने की सोच रहे हो मेरे को कमेंट्स में बताओ, और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ। वेल, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल।